नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गुरु में आज बात बदलाव की, विकास की, पुनरुद्धार की, आशा की, विश्वास की, भक्ति की, काशी की। काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिने जाने वाली काशी बीते 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। वाराणसी में बदलाव की बयार बह रही है। भव्य कॉरिडोर, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। उत्तर और दक्षिण भारत के नए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी उभर रही है। काशी में जिसने ये बदलाव की बयार बहाई, गुरु। नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उत्तर और दक्षिण भारत के नए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी उभर रहा है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक काशी का रुख कर रहे हैं। तंग गलियों की जगह बने कॉरिडोर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की वजह से काशी राजनीति का केंद्र भी है। 2014, फिर 2019 और अब 2024 में सबकी नजर काशी पर। लेकिन इस सबके इतर पीएम मोदी ने 10 सालों में काशी का कायाकल्प कर दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। गुजरात के विकास मॉडल पर सवार होकर वाराणसी आए थे। उस वक्त उन्होंने जो कहा था उसकी गूंज आज तलक सुनाई देती है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बने और दिल्ली की तख्त पर आसीन हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी को क्योटो बनाने का खाका खींचा। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी के तौर पर मशहूर काशी के मूल मिजाज और सांस्कृतिक को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी काशी को आधुनिक सांस्कृतिक धर्म नगरी बनाने में कामयाब रहे। क्योटो और वाराणसी दोनों एज ए नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। भारतीय अध्यात्म संस्कृति से देश दुनिया को भली भांति परिचित कराने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया गया। 800 करोड़ की लागत से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहाँ एक तरफ दिव्य और भव्य काशी से लोगों को रूबरू कराता है, वहीं दूसरी तरफ यहां की सुविधाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इसका फायदा शहर वासियों को मिलने लगा। 2 वर्षों में ही 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए। इससे काशी का अर्थशास्त्र बदल गया। होटल रेस्टोरेंट के साथ ही ट्रैवल उद्योग बूम कर उभर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व ने हर मुश्किल काम को आसान करके दिखाया।
श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जब पर्यटक आता है ना तो कुछ न कुछ देख करके जाता है। हर पर्यटक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, जिसकी जितनी ताकत वो काशी में खर्च करता है, वो पैसा आप ही के जेब में जाता है। पहले विशेष अवसरों पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन किया था, लेकिन अब एक समय में कॉरिडोर में 2 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। 2023 तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था, विश्वनाथ धाम केवल एक भव्य इमारत नहीं है, ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक आत्म और भारत की प्राचीनता का प्रतीक है, परंपराओं का प्रतीक है, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। क्या भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा है। 17.6 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आज गेटवे ऑफ बनारस कहा जा रहा है। बनारस के किसी भी क्षेत्र से बाबतपुर हाईवे तक पहुंचने का ये मार्ग ब्रांच बनारस की पहचान बन गया है। इस हाईवे के बनने से विदेशी मेहमानों की आवक पहले से काफी बढ़ गई है। वाराणसी में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सफाई का खासा ख्याल रखा जाता है। साल 2014 में गंगा नदी के किनारे जमा गाद को हटाकर पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तब से वो सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। विशेषकर हमारी माँ गंगा तो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए औद्योगिक प्रदूषण से पस्त पड़ रही थी, इसलिए ही इस सरकार में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने प्राथमिकता सिर्फ गंगा की सफाई को ही नहीं दी, बल्कि अब ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहरों से निकलने वाली गंदगी भी गंगा में नहीं जानी चाहिए। सरकार द्वारा अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा गंगा तट के किनारे बने गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त किया जा रहा है। 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुत्थान हुआ है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। आर्थिक गतिविधि तेज हुई है, या सीधे कहें कि धार्मिक स्थलों के विकास का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आध्यात्मिक चेतना का केंद्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब आर्थिक विकास की धुरी बन गया है। साल 2021 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, तब से लेकर अब तक
13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। काशी विश्वनाथ धाम का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। बीते 2 सालों में 16 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए। आस्था का आलम यूं है कि पर्यटकों की संख्या के मामले में काशी ने तमिलनाडु और गोवा को पीछे छोड़ दिया है, और ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। 900 करोड़ की लागत से 50,000 वर्ग मीटर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। 23 इमारतें और 27 मंदिर बनाए गए। संगमरमर की 22 शिलालेख बनाई गई। 250 साल बाद मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया गया। नए कॉरिडोर के निर्माण के बाद पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय 65% तक बढ़ी है। रोजगार में भी 34.18% की बढ़ोतरी हुई। 2021 से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर 3000 वर्ग फीट के माध्यम से आकार के सामान्य घर जितने क्षेत्र में फैला था। अब 5 लाख वर्ग फीट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दिव्यता और भव्यता सहज ही मंत्रमुग्ध कर देती है। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी अहम योगदान दे रहा है। संकंडी गली के होते हुए कॉरिडोर का निर्माण एक वक्त ऐसा था जब कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मजबूत और फौलादी इरादों से वो करके दिखाया। दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उसके बाद से वाराणसी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले औसत 20,000 लोग रोजाना दर्शन के लिए आते थे, अब औसतन 60,000 लोग रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। कॉरिडोर के निर्माण के बाद 3 किलोमीटर की दूरी अब घटकर महज 300 मीटर रह गई है। यही वजह है कि दिसंबर 2023 तक 13 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दिसंबर 2023 तक 13 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। अगर एक व्यक्ति का औसतन खर्च 1500 भी माना जाए तो हर महीने 30 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था कॉरिडोर बनने की वजह से पहुँच गयी है। 13 करोड़ के धार्मिक पर्यटकों की अर्थव्यवस्था को समझे तो ये महज 2 साल में ही करीब 20,000 करोड़ तक पहुंचती है, और इसका बिल्कुल सीधा लाभ यहाँ के गरीब तबके को मिलता है, जिसमें छोटे दुकानदार, ई रिक्शा, फूलमाला दुकानदार, होटल व्यवसाय और पंडित पुरोहितों को मिल रहा है। लोगों की आमदनी में 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधे तौर पर काशी की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। मंदिर घाटों से लेकर पर्यटन से जुड़े स्थल का कायाकल्प हुआ है।
जिससे न केवल काशी में पर्यटक की तादाद तेजी से बढ़ी है बल्कि रोजगार के अवसरों में भी इजाफा हुआ है। मेरे परिवारजनों, आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरीकरण से क्या बदलाव आता है ये हम काशी में देख रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काशी का गौरव दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा है। यहां पर्यटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन से काशी में रोजगार के हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क से लेकर हवा और पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया गया है। जहां एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है तो वहीं एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। गंगा में जल परिवहन के जरिए वाटरवेज को बेहतर किया जा रहा है। बनारस से हल्दिया तक महावाहक जहाज भेजने के लिए रामनगर में बने मल्टी मोडल टर्मिनल शुरू किया गया है। आजाद भारत में इंग्लैंड वोटर परिवहन का पहला प्रोजेक्ट वाराणसी से शुरू हुआ। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच की वजह से बेहद कम समय में संभव हो पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 500 से अधिक विकास योजनाओं की सौगात। इससे काशी विकास की नई ऊंचाइयों को छूने लगी है। काशी देश में विकास का नया मॉडल बनकर उभरी है। मोटरबोट, रोपवे, फ्लाईओवर, फोर लेन, एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन समेत कई योजनाएं आकार ले रही हैं। काशी का कायाकल्प हो रहा है। 738 करोड़ की लागत से भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। 1000 की लागत से वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। 100 करोड़ के खर्च से वाराणसी को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। 949 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण किया गया है। 400 करोड़ की लागत से संपूर्णानंद स्टेडियम का निर्माण किया गया है। 200 करोड़ की लागत से 600 TDP क्षमता को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है। 728 करोड़ की लागत से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। नमामि गंगे योजना के तहत 913 करोड़ की लागत से वाराणसी में गंगा की सफाई और घाटों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने 10 सालों में वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस से दक्षिण भारत का रिश्ता पुराना है। प्राचीन समय से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए दक्षिण भारत से यहां आते रहे हैं। काशी तमिल संगम का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि उत्तर और दक्षिण भारत के नए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी उभर रहा है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक काशी का रुख कर रही है। तंग गलियों की जगह बने कॉरिडोर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की वजह से काशी राजनीति के केंद्र में 2014 फिर 2019 और अब 2024 में सबकी नजर काशी पर टिकी हुई है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।